कोलंबिया में बुल फाइट के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बुल फाइट के दौरान स्टेडियम का एक हिस्सा गिर गया, जमींदोज हुआ 3 मंजिला स्टेडियम का एक हिस्सा। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 200 से अधिक लोग घायल हो गए। मध्य कोलंबिया में रविवार को बुल फाइट यानी कि सांडों की लड़ाई के दौरान लकड़ी के बने मंच का एक हिस्सा ढह जाने से दर्शक जमीन पर गिर गए। हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि हादसा टोलिमा राज्य के एल एस्टिनल शहर के एक स्टेडियम में एक पारंपरिक कार्यक्रम कोर रालेजा के दौरान हुआ। कार्यक्रम के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें दर्शक दीर्घा में मंच का 3 मंजिला हिस्सा ढहता नजर आ रहा है। टोलिमा के गवर्नर जोस रिकॉर्डो ने स्थानीय ब्लू रेडियो से कहा कि अभी तक 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 नवजात की मौत हो चुकी है। महापौर जुआन कार्लोस तामायो ने बताया कि मंच का जो हिस्सा गिरा है उसमें करीब 800 लोग बैठे थे। टोलिमा की स्वास्थ्य मंत्री मार्था ने रविवार देर रात एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हादसे के बाद करीब 322 लोग स्थानीय सरकारी एवं निजी अस्पतालों में इलाज के लिए गए हैं। पलासी ओस ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले नवजात की उम्र 18 माह थी। हादसे में 4 लोगों के जान गंवाने के अलावा 4 अन्य गहन चिकित्सा इकाई में हैं और 2 अन्य की सर्जरी की जा रही है। टोलिमा के गवर्नर रिकॉर्डो ने टोलिमा में कोर रालेजा कार्यक्रम रद्द करने का अनुरोध किया था लेकिन इसके बावजूद ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तस्वीरें भी जरा आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में किसी को भी भयभीत कर दे, डरा दे, क्योंकि बुल फाइट के दौरान ये एक बड़ा हिस्सा जो ढह गया, कई दर्शक यहाँ पर बैठे हुए भी थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। अपने आप में बेहद भयावह ये पूरा हादसा, स्टेडियम का एक हिस्सा जो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। तो वहीं अब इस कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों के लिए इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए, यह अनुरोध किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि एक और अपील की गई है और कहा गया है कि मैं महापौर से ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं होने देने की अपील करता हूं जिसमें लोगों या जानवरों की जान को खतरा। निवर्तमान राष्ट्रपति इवान डुके ने ट्विटर पर हादसे की जांच की घोषणा की है। उन्होंने कहा, हम सैन पेड्रो तथा सैन जुआन में त्योहारों के दौरान टोलिमा के एल एस्पिनल में हुए भयानक हादसे पर शोक व्यक्त करते हैं जिसमें बुल फाइट के दौरान मंच ढह गया, हम इसकी जांच कराएंगे। तो जांच कराने की बात की जा रही, तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया इस वक्त आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, अपने आप में बेहद भयावह ये तस्वीरें इस पूरे हादसे की। अब सोचिए जो लोग इस स्टेडियम के इस हिस्से पर बैठे थे जहां पर ये स्टेडियम का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया, उनकी स्थिति क्या हुई होगी और कितनी बुरी तरीके से लोग घायल हुए होंगे। एकदम से भगदड़ का माहौल भी यहां पर पैदा हो गया।